गाइस, अशोक स्तंभ के ये शेर हमारे देश का प्रतीक और गौरव है, लेकिन अब इन्हीं शेरों की दहाड़ ने इस गौरव को और भी ऊंचा कर दिया है। दरअसल हमारे देश में बन रहे नए संसद भवन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6.5 मीटर के एक विशालकाय नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन किया है। कांसे से बना 9500 किलो का ये प्रतीक देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता है। इसे देश के अलग अलग जगहों से 100 से ज्यादा मूर्तिकारों ने मिलकर 6 महीनों में तैयार किया है। इसे बनाना इसीलिए भी मुश्किल था क्योंकि ये 32 मीटर की ऊंचाई पर है और इसे बनाने में किसी भी विदेशी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए एक नई इंस्पिरेशन साबित होगी। और इस मूर्ति का एक बड़ा आकर्षण है इसका आक्रामक दिखना, जो कि भारत के नए नीडर और मजबूत नजरिए को भी दिखाता है। गाइस, बचपन में हमें कबीर का दोहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए, ये पढ़ाया जाता था और समझाया जाता था कि हमें हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि भाषा हमारा चरित्र दर्शाती है। साथ ही ये भी कहा जाता था कि विनम्रता पूर्वक बात करने से हम खुद भी अच्छा महसूस करते हैं और विरोधियों का भी दिल जीत लेते हैं। लेकिन हम सबने ये देखा है कि संसद में माननीय सांसदों द्वारा संसद की गरिमा को ताक पर रखकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अच्छी भाषा के लिए जरूरी है अच्छे शब्दों का होना। इस कड़ी में बीते दिन भारतीय संसद द्वारा मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही संसद की गरिमा को बनाए रखने का हवाला देते हुए हिंदी भाषा के 180 शब्द और अंग्रेजी भाषा के 150 शब्द, कुल मिलाकर 330 शब्दों को असंसदीय घोषित कर दिया गया है और उसे बैन कर दिया गया है। इस फैसले पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 14 मिलियन तक पहुंचने वाले हैं। थैंक यू।